भूत प्रेत की कहानियाँ हमेशा से ही लोगों को रोमांचित करती रही है। क्या भूत वास्तविक में होते हैं या ये सिर्फ डरावनी जगह की बात है? एक और जहाँ विज्ञान आत्मा और भूत आदि को महज इंसानी दिमाग की उपज और भ्रम बताते हैं, कोई दूसरी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत की बातों और अनुभवों को दावे के साथ कहते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कवरी चैनल पर आने वाले हंटेड आदि कार्यक्रम भी पारलौकिक जीवन के दावे को सच करते दिखते हैं। भारत में कुछ ऐसी डरावनी जगह हैं जो पारलौकिक घटनाओं और गतिविधियों के लिए जानी जाती है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां हकीकत में भूत दिखे जाने को लोग लगभग सच मानते हैं। आइए जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में। नंबर एक, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरे होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में इसी शहर में रहने वाले एक जादूगर को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के साथ प्यार हो गया, जिस पर तांत्रिक ने काला जादू कर दिया था। इसके बाद राजकुमारी को अपने वश में करके तांत्रिक ने उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जादूगर ने मरते वक्त भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि ये जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उस श्राप के बाद इस किले में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा किले के अंदर भ्रमण करती है। नंबर दो, सेफरन बीपीओ, दिल्ली की सबसे भूताहा जगह। कब्रिस्तान के ऊपर बना गुड़गांव का सेफरन कॉल सेंटर बीपीओ गुड़गांव की सबसे भूताहा जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि इस बीपीओ में रोज नाम की एक सुंदर और मेहनती लड़की काम करती थी। वो कई महीनों तक लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जीतती रही। एक दिन अचानक फोन पर बहुत लंबी बातचीत करने के बाद उसने लंबी छुट्टी ले ली, जो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती चली गई। उसके मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। बहुत खोजबीन के बाद उसके परिवार को ढूंढा गया, जिन्होंने बताया कि रोज 8 साल पहले मर चुकी थी। उसके दोस्त और सहकर्मी महीनों तक सदमे और दहशत की स्थिति में रहे और अभी तक यह राज कायम है। नंबर तीन, जतिंगा घाटी, आसाम। आसाम में जतिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्य वाली है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमय रूप से पंछी मर जाते हैं। ये पंछी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाता। इन पंछियों के यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है आज तक किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन ऐसा होता है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी भूताहा जगह में जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर चार, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों सिर्फ खंडर ही रस आते हैं, तो आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जानना होगा। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये फिल्म सिटी उस जगह पर बनी है जहां पर कभी हैदराबाद के निजाम की सेना ने विरोधियों की सेना से दो दो हाथ किया था। इस युद्ध में काफी सैनिक मारे गए थे, जिन्हें यहीं दफना दिया गया था। कहा जाता है कि यहाँ उनकी आत्मा आज भी भटकती रहती है। मृत सैनिक यहाँ आने वाले लोगों को बहुत परेशान करते हैं। नंबर पाँच, कुलधरा गांव, जैसलमेर। राजस्थान का ये गांव पिछले 170 के अधिक सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका लदान दोगुना कर दिया, जिसे गांव वालों ने वो जगह छोड़ दी और तब से यहां कोई नहीं रहता। सालों से वीरान पड़ा ये गांव खंडर बन गया है। यहां आने वाले टूरिस्टों का कहना है कि यहां गांव वासियों को आज भी महसूस किया जाता है। यहां भी सूर्य अस्त के बाद जाना मना है। इसके अलावा राजस्थान में और भी बहुत ज्यादा डरावनी जगह है। नंबर छह, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। गोवा के इस चर्च में तीन पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है। यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले तीन राजाओं के बीच वचस की लड़ाई होती रहती थी। एक बार होलगर नाम की एक राजा ने अन्य दो राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया।
जब लोगों को होलगेर के इस करतूत का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के सब को इसी चर्च में दफना दिया था। इसके बाद से ही इस चर्च में भूतों का निवास माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भूतहा जगहों के बारे में। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल एक्स मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। नंबर 7, सवाय होटल मसूरी। सन 1910 में अंग्रेजी शासन काल में इस होटल में एक ब्रिटिश लड़की की हत्या हो गई थी, जिसकी आत्मा आज भी अपने हत्यारों को ढूंढ रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे उसी लड़की लेडी आर्मे का हाथ है। नंबर 8, राजकिरण होटल मुंबई। राजकिरण होटल के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में ठहरने वालों की शिकायत ये है कि रात को उनकी चादर कोई खींचता है तो कोई उन्हें मार के जाता है। इस कमरे की शुरुआती खामोशी ही आपको डराने के लिए काफी है। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर में कई सारी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, जो इस जगह को डरावनी बनाती है। नंबर 9, मेरठ का जीबी ब्लॉक। यूपी के मेरठ में जीबी ब्लॉक का स्थित एक घर को कई लड़के लड़कियों के भूत का निवास स्थल बताया जाता है। मेरठ के भूत बंगले को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बंगला गंगानगर के जीपी ब्लॉक में है। नंबर 10, बड़ोक सुरंग। इस सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोक ने करवाया था, इसलिए इसे बड़ोक सुरंग भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंचार्ज बड़ोक ने एक बड़ी भूल ये कर दी कि एक ही बार में दोनों ओर से सुरंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अंदाजे के भूल से सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिसके कारण उन पर ₹1 जुर्माना किया गया। अपने इस चूक से वो इतने अधिक दुखी हो गए कि उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के साथ शहर पर जाते हुए स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज भी इसमें उस अंग्रेजी इंजीनियर की रूह भटकती रहती है। लोगों को इस सुरंग में जाने से रोकने के लिए बाकायदा बोर्ड लगा है। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो कैसी लगी? आज हमने बात किए भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक्स मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें।